अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज सब वतनों, आज जो है हुनर कदा और कोलैबोरेट कर रहे हैं वी फिक्सेस के साथ मॉनसून प्लांटेशन ड्राइव पे। ये हो रहा है F9 पार्क में। सोच है आपकी, मुझे थका दिया है इस आर्ट गैलरी तक पहुंचने में। अगर मैं, काश कि मैं इतनी एथलीट होती। 3 किलोमीटर तो मैंने वैसे ही गेट से फासला तय कर लिया है, बट इट्स एन एक्सीलेंट एक्टिविटी। और F9 पार्क आज बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत हसीन है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ और यहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी नजर भी आ रही है। ये रहा F9 पार्क का सीन। हम जा रहे, वो जो दूर से लोग आपको नजर आ रहे हैं वो हैं वी फिक्सेस और सर जमाल शाह की टीम हुनर कदा से। यहाँ पे हो रही है प्लांटेशन ड्राइव और खूब सारे पौधे लगाए जाएंगे। ये आर्ट गैलरी में भी जो एग्जिबिशंस वगैरह ये एग्जिबिट हुई हैं, पेंटिंग्स, ये भी हुनर कदा के पास हैं। इन्हीं लोगों ने इसको मेंटेन किया है और अल्लाह करे आइंदा भी इन्हीं के पास रहे क्योंकि बहुत अच्छी मेंटेन हुई हुई है। और मैं पहुंच रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है, मगर मैं आपको तो और थोड़ा करीब पर ले जाके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हाजरीन और नाजरीन, हुनर कदा की टीम अलॉन्ग विद वी फिक्सर्स और सर जफर मुझे वेव कर रहे हैं और कमर सर कर रहे वेव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी थी कि मैंने 2 किलोमीटर वॉक कर ली। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कैसा जज्बा, कैसा है आपका प्लांटिंग होप? हेलो ब्यूटीफुल। हमने इतने पौधे लगाए। आपने लगाए? अभी फिर लगाए। कितना अच्छा रहे छोटा सा बेबी, माशाल्लाह एक्सीलेंट। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपने बिस्मिल्लाह की? जी बिस्मिल्लाह हो गई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपका पैगाम प्लांटेशन के लिए? दरख्त लगाना जो है वो बड़ा नेक काम है। आप नहीं रहेंगे उसके साये तले और बैठेंगे, उसका फ्रूट खाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओ, ये जज्बाती छोटी सी हमारी कौम है। मीरा, ओके ओके। ये हमारी छोटी सी बच्ची जो है वो प्लांट कर रही है और इंशाल्लाह ये इसके साये तले जरूर बैठेगी। बस मैं अभी बता दूँ, एक मिनट। सर ये हम बराकैड और वी फिक्सर से की तरफ से ये पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि प्लांटेशन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। सो माशाल्लाह आप भी काफ़ी पाकिस्तान में आपका नामी गिरामी और नाम है, तो कुछ हमारे लिए वी फिक्सर्स के लिए और बराकैड के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं चाहेंगे और बाकी सब एक्टिविटी के हवाले से और जो भी आपके पास बात है? नेचर जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी देन है और नेचर में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं वो बड़े नेक लोग होते हैं, इसलिए कि वो दूसरों के लिए राहतें और आसानियां पैदा करते हैं। आप जो दरख्त आज लगाते हैं आप नहीं होंगे लेकिन बाद में आने वाले लोग उस दरख्त के साए में रह सकते हैं, उसके फ्रूट से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो वी फिक्सर और बराकैड बहुत बड़ा काम कर रही है और इत्तेफाक ये है कि उन्होंने कदा भी आप लोगों के साथ मिलके इस प्लांटेशन सीजन में अपना हिस्सा डाल रही है। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों को कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो आप दरख्त लगाएं, इसलिए कि जो आने वाले दिनों में जो मसाइल हैं क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज वगैरह के हवाले से, उसको कॉम्बैट आप इसी से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, पौधे लगाएँ, वैसे भी खूबसूरत लगते हैं और फिर वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नेचर को मज़ीद
अट्रैक्टिव बनाती है और आपकी ज़मीन को ज़्यादा तो रहमान बाबा कहते हैं कर द गुल उखड़ा चिस्से मद गुलजार सी अर्जी मकर पक्षों की बड़ी खास है, तो फूल उगाएं दरख्त उगाएं ताकि आपकी ज़मीन जो है वो गुलजार हो। सर एक और रिक्वेस्ट है कि हम तो ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं प्लांटेशन की और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम काम करते रहते हैं, तो क्या आगे कोई एक्टिविटी हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप या आपके तवस्सुत से हम कोई और किसी और को एक्सेस जी क्यों नहीं, पर जहाँ जहाँ मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम करेंगे, इसलिए कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। थैंक यू सर, जो सबको करना चाहिए। थैंक यू। क्यों थैंक यू नेचुरली हमें बताएं कैसा लग रहा है, मजा तो बड़ा आता है ना? बड़ा आ रहा है। हाँ। अच्छा वन थिंग आई वांट टू आस्क यू के प्लांटेशन तो ड्राइव से होती हैं, बट आई वांटेड टू शेयर द आइडिया दैट यू हैड कि सिर्फ हमने प्लांट्स नहीं टक 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 लगाने हैं, उसको खूबसूरती के साथ लगाने, क्योंकि ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट हैं और आप आर्ट गैलरी को भी देख रहे हैं, तो क्या आइडिया क्या है, व्हाट्स योर आइडिया? बस हम प्लान यही कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग तरीके से प्लांट्स लगाएं जो मजा भी आए हमें और टेरेन इंटरेस्टिंग हो, जो ऑलरेडी लेवल्स हैं उनके साथ। फिर जो फ्रूट वाले ट्रीज हैं हमने उसमें सोचा कि क्लस्टर लगाते हैं, जैसे हम अमरूद का क्लस्टर बना रहे हैं, जो गुआवा ऑर्चर्ड, ओके गुड, देन इट्स चीकू, देन जामन, प्लम एंड एप्रिकॉट और लोकार्ट की अंग्रेजी नहीं आती मुझे, देख रही हूं आप, लोकार्ट की अंग्रेजी मुझे नहीं आती, लोकार्ट लोकार्ट ये लोकार्ट लोकार्ट है, उसको अंग्रेज खाता भी नहीं है ना, इट्स ऑलराइट। तो अब हम भी ये क्लस्टर की तरह इन सारे फ्रूट ट्रीज को और बाकी जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनकी अभी हमने प्लानिंग की है कि कुछ हम एंट्रेंस पे लगाएंगे, उधर देख के फेक लगता है, इधर देख के नेचुरल लगता है, आपने मुझे कहा था नेचुरल नेचुरल लगता है, चले ठीक है, और इस तरह से प्लान करें कि वो इंटरेस्टिंग लगे सारी ताकि हाँ। और फिर फ्रूट के ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, व्हेन दे आर लाइक टुगेदर ना, इकट्ठे होकर के तो मजा आ रहा होता है, कबीला बन जाता है, पूरा कबीला है उनका, और उनको वाटर करना भी आसान है और उनकी आपस में भी हाँ। बातचीत रहेगी ऐसे ही है। सो अब ये वी फिक्स्चर्स के साथ शालीमार नर्सरी फार्म, शालीमार नर्सरी, यस आई मस्ट 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 इनको हम जरूर कहें, क्योंकि वो इतना लो प्रोफाइल लगते हैं अपना, मुझे जब कल पता चला मैंने कहीं बताती क्यों नहीं है, मैं कह रही यहाँ जब हमें एतराफ करना चाहिए कि शालीमार नर्सरीज जो है इनकी बनीगाला में भी है और वो जो इतवार बाजार के साथ जो H9 वाले स्लॉट है वहाँ पे भी है, तो आप जरूर जाएं हुनर कदा के रेफरेंस से एंड अवेल 20% डिस्काउंट। हाँ वहाँ पर इस्लामाबाद नर्सरी के ऊपर शुजा भाई है, शुजा भाई को आप कहें कि आप हुरन कदर से आए और आप जरूर उनसे प्लांट लें, अवेल करें करें करें, और हर तरह का प्लांट मिलेगा, ये नहीं है कि ये वाली प्लांटेशन है, हर तरह की है। ठीक है, ये जबरदस्त आइडिया हो गया, मजा आया करेगा जब हम वापस आएंगे और देखेंगे कि मैं इंतजार करी हूँ कि मैं कितनी बूढ़ी हो जाऊंगी और दरख्त कितने बड़े होकर फल देंगे और मैं उनके नीचे बैठ के और वहाँ पिकनिक करेंगे, मैंने सारे अपने बच्चों का हम वहाँ पे ट्रीज के नीचे पिकनिक करेंगे, कभी हम जामन वाली पिकनिक करेंगे, कभी हम एप्रिकॉट पिकनिक करेंगे, कभी हम प्लम पे वो करेंगे, so I am looking forward to that time. Inshallah, inshallah, Allah Taala hum sabko wo bas zarur dikhaye. Thank you so much, Amna. Thank you. है शालीमार नर्सरी जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता रहे थे, देन वी फिक्सर्स ऑर्गेनाइजेशन, सर जफर इकबाल इज द प्रेजिडेंट ऑफ वी फिक्सर्स, और फिर ऑब्वियसली वी हैव हुनर कदा। काफी खूबसूरत मौसम है आज और F9 पार्क और ये वाहिद शहर है जिसमें फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या अल्लाह ने हसीन मुल्क और हसीन शहर दिया है हमें, किस कदर हम माला माल हैं और कितने हम नाशुक्रे हैं, टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ है नहीं जो पाकिस्तान में ना हो, मगर बस अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में हम रहते हैं यही कह सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सच ब्यूटी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल दैट अल्लाह हैज़ गिवन अस, अल्हम्दुलिल्लाह।